दोस्तों यह बहुत ही बड़ा शानदार जबरदस्त वाटरफॉल है, नैनीताल उत्तराखंड में यह स्थित है। आज हम आपको यहीं ले चलेंगे अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती हमने यहाँ पर करी है, पूरे रास्ते में बहुत ही आनंद लिया यहाँ पर सफ़र का, और उसके बाद यह वाटरफॉल जब हम पहुँचे तो देखते ही रह गए। दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैंने आपको गूगल मैप का पूरा यहाँ पर बताया है कैसे रास्ता जाता है इस वाटरफॉल के लिए, तो उस एंड तक ये वीडियो जरूर देखें। आ गई साहब, आ गई भाई लोग, रोज कर रहे ये हमारे पंकज भाई साहब पीछे से चुटिया, ये मेलकारी और राकेश बाइक का आनंद लेते हुए, शाहरुख खान बाइक चलाते हुए, और ये रास्ते की दुर्दशा बहुत खराब हो रही है यहाँ पे वीडियो। अरे ये फ्लैश लाइट चल रही है, ये कैसी वीडियो है, यहाँ धुंध हो रहा है। ओ यार ये फ्लैश लाइट कहाँ है, बंद नहीं हो रही। चंडीगढ़ वाली बस जा रही है, ये आप मेलकाली नाच करते हुए खतरा करते हैं। गोली की रफ्तार से भागते हुए मेलकारी जी को ठंड लग रहा है जेब में हाथ और सर में। यहाँ पे देखिए पंकज जी को, ये अपनी एवेंजर से अल्मोड़ा का शेयर करते हुए पहली बार एवेंजर के साथ, ये देखिए इनकी एवेंजर देखिए, जो स्थिति इनकी काफी अच्छी है, काफी अच्छी है एकदम। और ये 3:30 बजे से सफर करना स्टार्ट हुआ है, अब देखना है कितने बजे तक पहुंचते हैं इस एवेंजर को लेके। और ये आगे देखिए ये पल्सर के साथ, और यहाँ देखिए पंकज की कमेंट्री के साथ, और आगे की कमेंट्री पंकज जी के साथ होती है। देख सकते हैं रोड के किनारे अकेला सुनसान जगह, रोड एकदम माहौल सा गर्माया हुआ, गर्माया हुआ, थोड़ा सा हल्का सा बूंदाबांदी नहीं हो रही है, क्योंकि उस की बूंदों का थोड़ा सा लग रहा है कि आज मैच हो सकता है। हाँ हो चुका था, जो 3:30 बजे से मैच इसलिए स्टार्ट हुआ, सुबह 10 बजे का प्रोग्राम था, 3:30 बजे स्टार्ट होता है। और मौज मस्ती के सफर के बाद हम पहुंचे गए ढोकानी वाटरफॉल के गेट पे। मेरा भाई हिमांशु भोगड़ा यहाँ पर खड़ा है, हमने इस फोटो में दिखाया है ढोकाना वाटरफॉल का गेट कैसा दिखता है। इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं ढोकाना वाटरफॉल कैसा है, हमने पूरा यहाँ पर उसका लोकेशन में जाके शूट करा है। यह देखिए यहाँ पर साइड में यह बैठने का भी है, और सरकार द्वारा यहाँ पर काफ़ी अभी निर्माण हो चुका है, और यहाँ पर जब नीचे आप आ जाते हैं तो इस तरीके से यह देखिए आगे के लिए बहता है। यहाँ पर यह पानी रिजर्व करा भी है, थोड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप का बनाया हुआ है, यहाँ पर आप नहा भी सकते हैं आराम से। और यह फॉल देखिए कितना बड़ा है, ऊपर से पानी गिरता हुआ, यहाँ पर बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है, यहाँ पर आप इसका आनंद ज़रूर लें। तो दोस्तों जब भी आपको वाटरफॉल जाने का मन करे तो इस वाटरफॉल पर ज़रूर आए, यह बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। यहाँ कैसे जाना है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हल्द्वानी से 2 घंटे 20 मिनट का रास्ता है, मतलब कि 73 किलोमीटर दूर है यह वाटरफॉल, और मैं आपको यह रास्ता दिखा रहा हूँ। देखिए भीमताल होते हुए जाना है, ये जो रास्ता है भीमताल होते हुए जाता है, तो आप हल्द्वानी से पहले भीमताल जाएंगे, भीमताल होते हुए भवाली की तरफ जाएंगे,
और भवाली से फिर ये आप देखिए नीम करौली बाबा का जो मंदिर है कैची धाम जिसको बोलते हैं, वो वाले रास्ते से आप जाएंगे निगलाड़ होते हुए आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद आप ये अल्मोड़े वाले रास्ते पे जाएंगे। देखिए यहाँ से रानीखेत वाला रास्ता छोड़ के आप अल्मोड़े वाले रास्ते में आगे जाएंगे। तो अल्मोड़े वाले रास्ते में आप आगे जाने के बाद यहाँ से रास्ता ये देखिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यहाँ पर पड़ता है। उससे पहले यहाँ पर ये सुयालबाड़ी है। सुयालबाड़ी से थोड़ा ही आगे जाने के बाद ये मेन रास्ता जो है आप छोड़ देंगे। देखिए ये भवाली और ये अल्मोड़ा का मार्ग है, उसको छोड़ के आप ये दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे जो कि सुयालबाड़ी वाला रास्ता ही है। ये इसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी है। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद ये देखिए ये आप थोड़ा आगे चले जाते हैं यहाँ से, तो ये यहाँ पर जाके ढोकाने वाटरफॉल करके आपको एक वो मिलेगा, यहाँ पर बोर्ड मिलेगा। यहाँ से फिर पैदल मार्ग है दोस्तों थोड़ा नीचे तक जाने के लिए, और फिर यहाँ पर जाके यह ढोकाना वाटरफॉल आ जाता है। तो अब मैं ये यहीं पे आपको जाना है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो